नमस्कार। मध्य प्रदेश कांग्रेस गुटबाजी का आपसी घमासान अब चार दीवारी से बाहर निकल चुका है। सिंधिया खेमे के विधायकों ने कमला सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी ने जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कांग्रेस राजनीति से दूर करने की साजिशें रची, उसका परिणाम ये निकला है कि कमलनाथ की सीएम कुर्सी पर अब संकट के बादल छा गए हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के चार से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो फिलहाल बीजेपी के समर्थन में जा चुके हैं। उन विधायकों का कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रहा है। एक कांग्रेस के मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस तरह से सात विधायक लगभग फिलहाल जो कांग्रेस के हैं वो बीजेपी को समर्थन के लिए तैयार हो चुके हैं। एसपी बीएसपी और निर्दलीय विधायक भी निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ जाने के लिए अपने बयान दे चुके हैं। ऐसे में ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि अब सिंधिया खेमे के विधायक कमलनाथ सरकार गिरा रहे हैं। जी हां दोस्तों, कमलनाथ सरकार वो कुछ ही घंटों की मेहमान रह चुकी है। अब सिंधिया खेमे के विधायक कमलनाथ सरकार को अल्पमत में भेजने वाले हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी, बेरोजगारों को 3 से 5 हजार रुपए बेरोजगार भत्ते का वादा कमलनाथ सरकार ने किया, राहुल गांधी ने किया, अब वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी का हवाला देते हुए सिंधिया खेमे के 20 से ज्यादा विधायकों ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब निश्चित तौर पर कमलनाथ सरकार गिरने वाली है। एक कमलनाथ के एक मंत्री कल ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि ना ही वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जोड़ी के खेमे से हैं और ना ही वो सिंधिया खेमे से हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी चल रही है, उनमें वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी सौंप दिया है। वहीं एसपी बीएसपी निर्दलीय विधायकों ने भी खुलकर बोल दिया है कि वो अब निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ जाएंगे। कमलनाथ सरकार ने जो हमसे वादे किए थे उन पर खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसे में एसपी बीएसपी निर्दलीय विधायक भी अब बीजेपी के साथ खड़े होंगे। 230 सदस्यों वाली विधानसभा में फिलहाल 228 सदस्य हैं। 2 सदस्यों की, 2 विधायकों की डेथ हो चुकी है। ऐसे में 114 विधायक कांग्रेस के पास है और 107 विधायक बीजेपी के पास थे, जिसमें से 2 की डेथ हो चुकी है। 105 विधायक फिलहाल बीजेपी के पास मौजूद है, 2 सीटें खाली है। एसपी बीएसपी के समर्थन से कमलनाथ सरकार फिलहाल मध्य प्रदेश में चल रही है, लेकिन जो पिछले 48 से 60 घंटों के अंदर जो घमासान मचा है कांग्रेसी नेताओं के अंदर, उससे स्पष्ट हो चुका है कि 18 से 22 जो विधायक कांग्रेस के बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। इसके अलावा एसपी बीएसपी और निर्दलीय भी 4 से 5 विधायक अब बीजेपी को समर्थन करने वाले हैं, जिससे कमलनाथ सरकार अब अल्पमत में चली जाएगी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आसानी से 115 का जादुई आंकड़ा यानी बहुमत का आंकड़ा हासिल करने वाली है। शिवराज सिंह चौहान एक बार दोबारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कमलनाथ की सीएम कुर्सी अब उन्हीं के विधायकों ने, उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के मंत्रियों ने हिला करके रख दी है। जिस तरह से कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम गद्दी पर आराम फरमा रहे हैं, वो जो कांग्रेस के विधायक हैं या फिर सिंधिया खेमे के विधायक हैं, एसपी बीएसपी के विधायक हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है। और ऐसे में अब सिंधिया के इशारे पर कमलनाथ सरकार गिरने जा रही है, कमलनाथ सरकार अल्पमत में जाने वाली है। ऐसा कहना मुश्किल नहीं होगा कि कमलनाथ अब कुछ ही घंटों के जो सीएम है वो रह चुके हैं, कमलनाथ सरकार कुछ घंटों की मेहमान रह चुकी है। ऐसे में निश्चित तौर पर शिवराज सिंह 115 सीटों का जादुई आंकड़ा हासिल करने के लिए जो अपना जी जान लगा रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन लॉट्स के अंदर जो बीजेपी है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी ने अब 115 का जादुई आंकड़ा जुटा लिया है। कुल मिलाकर के हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप दिग्विजय सिंह ने जो इन्हें बीजेपी पर लगाना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 5 करोड़ से लेकर के 35 करोड़ रुपए के बीच में कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं, जो विधायक हैं मौजूदा मध्य प्रदेश की कमला सरकार के अंदर, उनको खरीदा जा रहा है। यानी इस तरह का आरोप दिग्विजय सिंह लगा चुके हैं, लेकिन ये सभी विधायक अपनी सफाई भी मीडिया के सामने आकर के दे चुके हैं कि खरीद प्रोक्त की ऐसी कोई कहानी नहीं है, हम कमला सरकार को समर्थन नहीं करना चाहते हैं। और बीच में खबर ये भी आ रही है कि दिग्विजय सिंह की चाल के चलते कमलनाथ की सरकार है वो गिरने जा रही है, यानी कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर ही निश्चित तौर पर एसपी बीएसपी कांग्रेस के ये विधायक
जो सिंधिया खेमे के हैं वो अब कमलनाथ सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या राय है आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।